सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल इंजीनियर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सबसे पहले रिपेयर वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A50 ऑन। अगर आपके पास कोई ऐसे हैंडसेट आए कि वो प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये जो हैंडसेट मेरे पास आया था ये लिक्विड डैमेज हैंडसेट था, ये डेड हो गया था। फिर मैंने इसको रिपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक लिक्विड डैमेज हैंडसेट या कोई भी प्रॉब्लम, इसका जो मदरबोर्ड है मैं दिखाऊंगा, इसके मदरबोर्ड पर कहाँ पर कौन सा आईसी लगा हुआ है और कौन सा प्रॉब्लम के लिए आपको कौन से पार्ट में काम करना है। A to Z जितना सारे आईसी है मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो सारे आईसी है वो क्या क्या काम करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रूर एक बात बताऊंगा आपको कि इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे A51 मॉडल के ऊपर। ये मॉडल देखने में जितना सुंदर है, तो चलिए देखते हैं इसको रिपेयर करने में कितना मज़ा आता है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये हैंडसेट मैंने खोल के रखा हूँ, तो अगर पहली बार आप खोल रहे हैं तो इस जो ये जो बैक ग्लास है इसको गर्म करके खोलिए। कोई भी इथाइल अल्कोहल और कोई भी लिक्विड यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये जो बैक ग्लास है इसका कलर बिल्डअप हो सकता है। हल्के से गर्म कीजिए और कोई एक्सरे प्लेट ऐसे हो तो इसको चारों तरफ ऐसे घुमाकर खोल दीजिए, अच्छी से निकल जाएगा, क्योंकि इसका चारों तरफ गम रहता है, इसका बीच में कोई गम नहीं रहता है। अगर आप कुछ भी लिक्विड डाल देंगे तो ये बिल्डअप हो सकता है। बैक ग्लास हो गया, अब आपको सिम रिमूव करना है, सिम ट्रे रिमूव करने के बाद आपको खोलना है, इसको डिसअसेंबल करना है। अगर आपके पास हैंडसेट है कि उसका ये जो फोल्डर है फोल्डर में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको इसका फोल्डर कैसे आप रिमूव कर पाएंगे अच्छी से, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो पर। तो हमने इस मदरबोर्ड को तो निकाल दिया, अब देखेंगे ये जो सारे आईसी लगा हुआ है ये कौन सा काम करता है ये आईसी। तो हम फास्ट इस तरफ से शुरू करेंगे और इस तरफ खत्म करेंगे, जितना सारे आईसी है क्या क्या काम करता है। अगर आपके पास आए तो आपको तो रिपेयर करना है। ये जो छोटा सा आईसी देख रहे हैं ये जीपीएस का काम करता है, जीपीएस मतलब आप समझ जाएंगे, जीपीएस का काम करेगा ये वाला आईसी। ये जो कैन लगा हुआ है इसके अंदर आपका ब्लूटूथ और वाईफाई का आईसी मिल जाएगा। और ये जो आईसी है ये जो देख रहे हैं आप, ये सेक्शन है आपका है डिस्प्ले, यानी कि आपका जो कॉम्ब है उसका वोल्टेज ये देखता है। तो कोई भी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गया तो आप इस सेक्शन के ऊपर काम कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये रहता है आपका मेन पावर आईसी। अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट है आपको पावर आईसी पर काम करना है तो डायरेक्ट पावर आईसी के ऊपर काम मत कीजिए, इसका चारों तरफ जो कैपेसिटर रजिस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर पेस्ट डालकर अच्छे से हीट कीजिए, गर्म कीजिए, तो हैंडसेट ठीक हो सकता है। तो ये जो हैंडसेट मेरे पास आया था ये डेड था, मैं आपको डेड का सोल्यूशन बताऊंगा, पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर कौन सा आईसी लगा हुआ है। ये जो नीचे एक आईसी देख रहे हैं आपको, ये आपका आएगा स्पीकर, ठीक है, स्पीकर का। स्पीकर में अगर आपका साउंड नहीं आ रहा है तो आप उसको काम कीजिए, इसके ऊपर आपका ऑडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये रहता है आपका नेटवर्क सेक्शन, नेटवर्क में ये नेटवर्क आईसी है, फिल्टर है, नेटवर्क सेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप इसको इसके ऊपर काम कीजिए। और अब देख रहे हैं कि आपका जो NFC है, NFC अगर हैंडसेट में काम नहीं कर रहा है तो ये रहता है आपका NFC का आईसी, इस आईसी को रिप्लेस कर दीजिए, आपका NFC ठीक हो जाएगा। मेन माइक NFC का तो सेक्शन मैंने बता दिया, अब चलिए दूसरी तरफ देखते हैं दूसरी तरफ कौन सा आईसी लगा हुआ है। ये वाला है मोटर और इसका ऊपर जो देख रहे हैं ये वाला मोटर है और इसका नीचे जो है सेंसर LEDO है, LDO, ये दोनों जो लगा हुआ है सेंसर LDO और मोटर, ये दो है। और इसका ऊपर एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये आपका आएगा बैरोमीटर सेंसर का आईसी, इसके ऊपर काम करने से आपका जो सेंसर बैरोमीटर सेंसर है वो सही हो सकता है। और ये जो देख रहे हैं अगर आप काम कर रहे हैं मदरबोर्ड तो ध्यान रखिए कि ये वाला ना टूटे, ये आपका आएगा RGB सेंसर, मतलब
रेड ग्रीन ब्लू कह सकते। इसका काम होता है आपका जो डिस्प्ले कलर है कलर को वो ठीक करके रखता है। अगर ये खराब हो गया तो कोई भी कलर खराब हो सकता है हैंडसेट डिस्प्ले का। जो तीन कलर होता है वो ये कंट्रोल करता है, RGB सेंसर। उसके बाद आपको मिलेगा ये जो कैमरा है, ये चार कैमरा लगा हुआ है। कैमरा का IC है, ये वाला कैमरा का मेन IC, ये IC कैमरा पर काम करता है। ये कैमरा में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो गया, तो इस IC को रिप्लेस कीजिए या इसके चारों तरफ हीट कीजिए, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये रहता है आपका IA पावर IC, इसका मतलब हम ऑक्सिलरी पावर जिसे कहते हैं, ये वाला है, ये उसके ऊपर काम करता है। ये जो हैंडसेट था लिक्विड डैमेज था, ये जो IC आप देख रहे हैं, इस IC की वजह से हैंडसेट डेड हो गया था। ये IC ने ये जो CPU है इसके थ्रू ये काम करते हैं पावर के लिए, ये जो काम करते ना इसको कोडेक कहते हैं, कोडेक। ये IC उसे काम करता है। तो सारे IC हमने देख लिया, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये IC अपने आप पहचान लिया है कि कौन सा पार्ट पर कौन सा काम करना है। और फिर ऑन होने के बाद प्रॉब्लम आ गया था इस हैंडसेट पर कि वो हैंग इन लोगों पर रुक गया। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास हैंडसेट आएगा कि वो ऑन होने के बाद हैंग इन लोगों पर रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका जो फोल्डर है, कॉम्बो है जो कहते हैं, उसको निकालना है। निकालने के बाद उसका जो पार्ट है, कैपेसिटर रजिस्टर लगा हुआ था या टच का जो कनेक्टर लगा होता है, उधर लिक्विड रहने की वजह से आपका हैंडसेट हैंग इन लोगों पर हो जाता है। तो आपको ये रिमूव करना है। तो पैनल से हम इसको कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास हॉट गन हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो इसको 60 डिग्री टेम्परेचर पर रख के मैक्सिमम 10 मिनट रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली बहुत अच्छी से करना पड़ेगा यह चीज़, नहीं तो इसका आपका टूट सकता है ऑक्टा। जो ब्लेड है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर नीचे करना है। करने के बाद ब्लेड जब आपका इधर ही रुक जाएगा तो एक एक्सरे प्लेट लेकर ब्लेड के नीचे से अच्छी से इसके नीचे घुसाना है। ऐसे आप अच्छी से घुसा सकते हैं क्योंकि डाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो केबल है LCD केबल है नीचे रहता है। तो हम इसको खोल लेंगे, फिर हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे ऊपर नीचे करने से ये हमारा रिमूव अच्छे से निकल आएगा। देखिए ये निकल गया। अब आपको क्या करना है, जो अगर हैंगनी लोग आपका प्रॉब्लम है, ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो सारे कंपोनेंट आपको दिख रहा है इसको अच्छे से सर्विस करना है। ध्यान रहे ये जो आप देख रहे हैं गोल तरह से एक चीज़, इसके ऊपर कुछ भी जाने मत दीजिए, एक टेप लगाकर सील कर दीजिए, क्योंकि आपका जो फिंगरप्रिंट है फिंगरप्रिंट का काम करता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है इसके अंदर और ये इसका थ्रू काम करता है। तो आप जब फिटिंग्स करेंगे अच्छे से फिटिंग कीजिए, नहीं तो फिंगरप्रिंट आपका काम नहीं करेगा। तो इसके ऊपर कुछ भी मत डालिए, नहीं तो आपका जो कॉम्बो है ये भी खराब हो सकता है, स्पॉट आ सकता है। और ये आपका रहेगा टच आईसी को भी अच्छी से सर्विस कीजिए, सर्विस के क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद आप हैंडसेट को फिट कीजिए, फिट करने के बाद ऑन कीजिए, 100% कोई भी प्रॉब्लम हो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है, एक बूंद भी अगर पानी रह गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जब आप चेक करेंगे तो अच्छे से चेक कर लीजिए, इसको जो कनेक्टर है कनेक्टर पर कोई भी लिक्विड डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप जितना भी मदरबोर्ड पर काम करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा कभी भी। तो अच्छी है कि आप मदरबोर्ड को निकालने के बाद ही इसका जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड को अच्छे से सर्विस कीजिए, उसके बाद आप मदरबोर्ड पर काम कीजिए। तो मैंने ये जो इसका जो हैंडसेट है पार्ट टू पार्ट आपको दिखा दिया। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है, ये सेंसर बहुत ही मतलब क्या होता है, सूख होता है, इसको ख़राब होने मत दीजिए, नहीं तो आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। और ये फिंगरप्रिंट आपको शायद मार्केट में मिलेगा भी नहीं मिलेगा, वो तो नया मॉडल है। ये देखिए फिंगरप्रिंट, इसको निकाल कर अच्छी सेफ्टी रख दीजिए, उसके बाद ही मदरबोर्ड पर काम कीजिए। आप इस हैंडसेट को जब रिपेयर करेंगे तो सिर्फ एक ही बार आप इथाइल अल्कोहल या
कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं जब इसका बैटरी आप निकालेंगे तब। उसके अलावा बैक ग्लास के ऊपर कभी भी मत डालिए, नहीं तो बैक ग्लास आपका पिल्ड अप हो जाएगा, उसका जो कलर है उसका कलर निकल सकता है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप फुल आपको दिखा दिया कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या रिप्लेस करना है, क्या काम करना है और मदरबोर्ड पर कहां पर कितना सारे आईसी लगा हुआ है। तो अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसा हुआ प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।